हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बारबिट्यूरेट्स। सो बारबिट्यूरेट्स आर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, एक्ट ऑन CNS एंड एक्ट ऑन रिसेप्टर्स GABA A क्लोराइड चैनल। इट इज़ मेनली CNS डिप्रेसेंट। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज़ GABA A क्लोराइड चैनल एग्निस्ट। Now we will see how barbiturates function. So barbiturates जो होते हैं वो bind होते हैं many sites पे, known as allosteric sites। अगर low dose देते हैं तो it act as GABA facilitatory, means कि ये GABA की binding को increase करेगा। अगर high dose देते हैं then becomes GABA mimetic, means कि ये GABA chloride channel को directly open कर देगा and increase duration of opening, जो इसकी opening की duration है वो increase हो जाएगी। अगर हम dose देते जा रहे हैं then it blocks sodium, potassium and calcium channel and inhibit glutamate receptor and become non-specific, so it is more dangerous drug। अगर हम बारबिट्यूरेट्स की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ नैरो थेरापेटिक रेंज, मींस इट हैव लो सेफ्टी मार्जिन। अगर हम लो डोज देते हैं देन कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। सेकेंड वन इज़ एंजाइम लाइक CYP, ZDP-ZT जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिक एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, अदर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड वन इज़ हाई एब्यूज पोटेंशियल एंड फोर्थ वन इज़ एंटीडोट। सो बारबिट्यूरेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, बट कुछ नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं जैसे कि पिक्रोटॉक्सिन। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली क्लोराइड की एंट्री बंद कर देता है। सेकेंड हम यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक्स, जो CNS तक जाता है और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, एग्जांपल डोक्सापराम एट्सेट्रा। बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं वो मेनली डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द बारबिट्यूरिक एसिड विच इज़ मेड अप ऑफ यूरिया एंड द मेलोनिक एसिड। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, सेकेंड वन इज़ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड द लास्ट वन इज़ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। इन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, ड्रग्स आर मेनली थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटू फैट्स। इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटू फैट्स क्यों कहते हैं तो चलिए देखते हैं। जब हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं देन हाई अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन तक पहुँचता है, देन ये प्रोड्यूस करता है सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग। When goes out of brain, these two drugs are highly lipid soluble drug, so they go out of blood vessels and deposited or redistribution into fats. So because of this reason, ये blood में present नहीं रहते हैं and not produce sedative or hypnotic action into brain. अगर हम ultra short acting drugs को long time तक देते हैं then drug becomes highly plasma protein bound, so these drug not allowed to redistribute into fats. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में फर्स्ट ड्रग की बात करते हैं, डैट इज़ थायोपेंटोन। सो थायोपेंटोन प्रोड्यूस इफेक्ट, हिप्नोटिक इफेक्ट इन 3 to 5 मिनट्स एंड इट इज़ यूज्ड एज इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक, गिव ड्रग एज इंड्यूसिंग एजेंट टू मेक ए पर्सन स्लीप एंड ऑल्सो हैज़ एंटी सीजर प्रॉपर्टी कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। सेकेंड ड्रग इज़ मेथोहेक्सिटोन, इट इंड्यूसेस सीजर्स। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इन दिस ECT टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ECT मीन्स इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये था अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। अब हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स लाइक एज ब्यूटाबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन एट्सेट्रा एंड दीज आर गिवेन एज इंट्रावीनस प्री ऑपरेटिव सिडेटिव ड्रग टू काम ए पर्सन। नाउ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, फिनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन एंड दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। फिनोबार्बिटोन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रिमिडोन, दैट इज अ प्रो ड्रग एंड इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर्स एंड द नियोनेटल जॉइंटिस।
नियोनेटल जॉइंटिस की बात करें तो बिलिरुबिन कांट अटैच विथ ग्लूकोरोनाइड बिकॉज देयर इज डिफेक्ट इन एंजाइम UDP-ZT. Because we know phenobarbitone is enzyme inducer and it increases the activity of UDP-ZT. So bilirubin not easily conjugated with glucuronide and removed out of body easily. Pharmacokinetics की बात करें तो 75% metabolized in liver and 25% not metabolized and excreted unchanged in urine. Side effect of phenobarbitone. It produces sedation, memory loss, paradoxically may cause seizures, hyperkinesia in children or excitation. Now side effect of overall barbiturates. First one is sedative or hypnotic. Barbiturates ka use hum insomnia ke treatment mein karte the but nowadays not used because it distorts sleep cycle. When person take barbiturates, it cause frequent awakening, next day hangover, rebound insomnia, so don't give barbiturates in insomnia. Second one is barbiturates contraindicated in porphyria, example acute intermittent porphyria. In porphyria, there is some enzyme deficiency which synthesizes heme, so it is safer to give benzodiazepines or opioids. It is all about barbiturates.